तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? Yeah man, I mean like तुम भी तो तैयार नहीं हुई अभी तक। मुझे इस संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, हो जाऊंगी जब मूड होगा। Okay. Oh. तो तुम ये लहंगा पहनने वाली हो? ये मेरा ड्रेस नहीं तनु, बुलबुल का ड्रेस है। तो वो कहाँ है? वॉशरूम में। What? मेरे पास एक आइडिया है। ये लहंगा बुलबुल अपने संगीत में पहनने वाली है और उसमें ये सी डोरी है। अगर हम इसे थोड़ा सा काट दें तो बुलबुल जब डांस कर रही होगी खींचने में डोरी टूट जाएगी और फिर तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आज बुलबुल का संगीत है और तुम ऐसे कैसे सोच भी कैसे सकती हो यार? What is wrong with you? आलिया, तुम ही सब कुछ बोल रही हो। हाँ, ये मैं कह रही। और एक बात कान खोल के सुन लो। I have moved on, okay? इन दोनों की शादी से मैं खुश हूँ। And it would be better कि अगर तुम भी ऐसा ही सोचो और तुम भी ऐसी चीजें करो। अगर तुमने कोई भी ड्रामा क्रिएट किया ना, तो किसी और को तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। I'll throw you out of this house and change for God's sake, yeah. अभी वाले पूछ रही थी कि कौन है ये? आप अभी को जानते हैं? जी, अभी को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम कौन है ये आप अभी से ही पूछ लीजिए। अभी ये कौन है जिसे तुम जानते हो हम नहीं जानते? ये वो प्रोड्यूसर्स हैं दादी, प्रोड्यूसर्स। अच्छा अच्छा, ये अभी के क्लाइंट हैं? नहीं दादी, ये मेरे पेरेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, माफ करना, पहले कभी मिली नहीं ना आपको, इसीलिए जरा होता है कभी कभी ऐसा। वैसे मम्मा आप यहाँ अचानक कैसे? अगर पता चले कि बेटी प्रॉब्लम में है तो घर पर तो नहीं बैठ सकते ना। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है इसे? हाँ वो दादी वो मेरे फ्लैट में आग लगी थी ना, मम्मी उसी की बात कर रही। तनु तेरे फ्लैट में आग लगी थी? इनको को तो पता ही नहीं। मम्मा मैंने आपको बताया तो था कि आग लगी है, भूल गई आप? हाँ याद आया, बताया था इसने। चलो अच्छा है, अब याद आ गया तो चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। बेटा मैं कहाँ लेके जा रही हूँ इन्हें? घर में फंक्शन चल रहा है, इनकी खातिरदारी करो, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। जी ओ जी, अब आ ही गए तो संगीत का फंक्शन मना कर ही जाए यहाँ से। हाँ। बोलो, अपनी कोई प्रॉब्लम बताई होगी इसलिए वो लोग आ गए यहाँ पर। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। तुम्हीं ने बताया होगा। ठीक है तो खड़े रहो यहीं पे और कुछ मत करना। और जब मेरे पेरेंट्स किसी को कोई बात बता देंगे ना तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। कोई चाइना की कंपनी की गारंटी नहीं होगी? अरे तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम्हें गारंटी लेनी होगी। मैं क्यों गारंटी लूं? तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम कुछ करो ना। ये मैं भी बोल सकता हूँ। चुप हो जाइए, झगड़ना बंद कीजिए और सोचिए करना क्या। देखिए आप उन लोगों को वापस भेज तो नहीं सकते ना, कम से कम अंकल जी और आंटी जी को दादियों से बात करने से रोक सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना। सीखो कुछ इससे कि प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाता है। तुम ही सीख लो ना, और जब सीख जाओ तो हस्बैंड वाइफ मिलके इस बात का सॉल्यूशन निकालना, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली, समझे? पाए क्या तनु? मैं भी जा रहा हूँ। आप कैसे जा सकते? तनु